नमस्कार, मैं हूं अर्पणा दुबे और आप देख रहे हैं जी मीडिया की डिजिटल दुनिया। धर्म ग्रंथों में देवी उपासना के लिए कई व्रत और त्योहारों के बारे में बताया गया है। इनमें से नवरात्रि बहुत ही खास मानी गई है। ये एक ऐसा त्योहार है जो साल में चार बार मनाया जाता है। चार नवरात्रियों का नाम हिंदू ऋतुओं और महीनों के नाम पर रखा गया है। माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और शरद नवरात्रि। साल में पड़ने वाली चार नवरात्रियों में से दो गुप्त नवरात्रि होती हैं और दो प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के बारे में कम ही लोग जानते हैं, जो है माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। लेकिन ज्यादातर लोग दो प्रकट नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जो है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदी नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हुई थी। इसी दिन से साल की प्रथम नवरात्रि का भी आरंभ होता है। चैत्र मास में होने के कारण इसे चैत्र नवरात्रि या चैती नवरात्रि कहा जाता है। आइए बताते हैं इस बार कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि। इस साल चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च को रात 10:52 से हो रही है, जिसका अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर समापन है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो रही है। नवरात्रि पर कलश स्थापना का भी खास महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना होती है, उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा शुरू होती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। माना जाता है कि घट स्थापना बिल्कुल सही समय पर किया जाना चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं कि इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 22 मार्च को नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लेकिन क्योंकि 22 मार्च को प्रतिपदा तिथि सुबह 8:20 तक ही है, ऐसे में 8 बजे से पहले ही घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जानी चाहिए। 22 मार्च को कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक का है। नवरात्रि का पहला दिन बेहद खास होता है, साथ ही आखिरी के दो दिन का भी काफी बड़ा महत्व होता है, यानी अष्टमी और नवमी का। सभी जानना चाहते हैं कि अष्टमी और नवमी की सही तिथि क्या है। तो बता दें, इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 को है, वहीं नवमी तिथि 30 मार्च 2023 को है। अष्टमी और नवमी दोनों दिनों में कन्या पूजन किया जाता है। कहते हैं इसके बिना 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जी मीडिया भी उम्मीद करता है कि आपकी भी सारी अच्छी मनोकामनाएं जरूर पूरी हों।